नमस्कार, EMSTV में आपका स्वागत है। मैं हूँ वर्षा श्रीवास्तव और आइए अब नजर डालते हैं देश और दुनिया से जुड़े कुछ मुख्य खबरों पर। गुजरात की फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के चौथे दीक्षांत समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने फॉरेंसिक एक्सपर्ट से अपील करते हुए कहा कि वे आगे आए और DNA प्रोफाइलिंग का इस्तेमाल करके न्याय व्यवस्था की मदद करें, जिससे दोषियों को जल्द से जल्द सजा दी जा सके और पीड़ितों को न्याय दिलाया जा सके। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी अभी यूरोपीय यात्रा पर है। बर्लिन में राहुल गांधी ने कहा कि आज देश में नौकरी नहीं है, किसान सुसाइड कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि हर किसी का विकास हो। उन्होंने कहा कि आपने कभी नहीं सुना होगा कि भारतीय हिंसा की बात करते हैं, आज पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, ये सरकार आपकी ही है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की अस्थि कलश यात्रा पूरे देश में निकाली जा रही है। अब इस मुद्दे ने राजनीतिक रूप भी ले लिया है। कांग्रेस पार्टी ने अस्थि कलश यात्रा को लेकर BJP पर निशाना साधा है। कांग्रेस का कहना है कि BJP इसे एक राजनीतिक यात्रा के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। यूपी के उन्नाव स्थित माखीकांड में दुष्कर्म के आरोपित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर से जुड़े प्रकरण में पीड़िता के पिता की हत्या में CBI के मुख्य गवाह की रहस्यमय हालत में मौत हो गई। पुलिस और CBI को सूचना दिया बिना ही शव को आनन फानन में दफना दिया गया। मामला सामने आने के बाद अब इस पर राजनीतिक रंग चढ़ने लगा है। भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व इन दिनों लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाने की कवायद में जुटा हुआ है, लेकिन एक साथ चुनाव की इस कवायद को इलेक्शन कमीशन ने झटका दिया है। मुख्य चुनाव आयुक्त OP रावत ने कहा कि देशभर में लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव कराने का कोई चांस नहीं है। केरल के लिए विदेशी मदद लेने से इनकार करने के केंद्र के फैसले का समर्थन करने के बाद केंद्रीय राज्य मंत्री अल्फांसो कन्ननाथम ने यू टर्न ले लिया है। उन्होंने कहा कि विदेशी मदद नहीं लेने की 14 साल पुरानी परंपरा अपवाद स्वरूप एक बार फिर तोड़ी जा सकती है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने भी 2016 में कहा था कि सद्भावना वर्ष की जाने वाली मदद की पेशकश भारत स्वीकार कर सकता है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों के आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। इसी क्रम में अनंतनाग में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई है। खबर लिखे जाने तक ये मुठभेड़ जारी थी और एक आतंकी को मार गिराया गया। मारे गए आतंकी का शव बरामद हो चुका है और उसकी पहचान लश्कर के यूसुफदार के रूप में हुई है। बाबा अमरनाथ यात्रा 3 दिन तक स्थगित रहने के बाद शुक्रवार को फिर से शुरू होगी। इस दिन जम्मू के आधार शिविर से अंतिम जत्था रवाना होगा। इस बार अब तक 2,84,078 श्रद्धालु पवित्र गुफा के दर्शन कर चुके हैं। भारत और चीन ने एक दूसरे के साथ सैन्य सहयोग बढ़ाने का फैसला किया है। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण और चीन के रक्षा मंत्री वैंग फैंग के बीच 2 घंटे तक चली मुलाकात में यह निर्णय लिया गया। डोकलाम विवाद के बाद दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों की यह पहली द्विपक्षीय बातचीत थी। पाकिस्तान ने अपने नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री इमरान खान और अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो के बीच हुई बातचीत में आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग वाले अमेरिकी बयान का खंडन किया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि अमेरिका के साथ इस मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं हुई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप जुड़े रहिए EMSTV के साथ। नमस्कार। जेनाविन सेल्स, क्रॉम्पटन ग्रीव्स के गीजर, पंखे, एनलाइटिंग ल्यूमिनरीज, हैवी ड्यूटी एग्जॉस्ट फैंस एंड कूलर फैंस की संपूर्ण रेंज, एलमोनार्ड के फैंस, पेडिस्टल फैंस, एग्जॉस्ट फैंस एंड एयर कर्टन की विस्तृत रेंज। जेनाविन सेल्स, नियर भारत टॉकीज, फर्स्ट फ्लोर, हमीदिया रोड, भोपाल।